perfect harmony. How many times have you watched this movie, Ye Jawani Hai Diwani? Quite a few times, even I have lost my count. But today, I'm gonna take you to one of the most iconic locations shot in this movie, the Hidimba Temple. This temple is located in Manali, Himachal Pradesh. It was built in 16th century and it's surrounded by beautiful trees and attract tourists from all around the world. The only thing is this place is way too crowded. 16th century के animal sacrifice के निशान आज भी यहाँ देखने को मिलेंगे। थोड़ी दूर घटोत्कच मंदिर है जो कि हिडिंबा देवी के बेटे थे और यहाँ से हम बढ़े अगले स्टे की तरफ। हेलो एवरीवन, तो नेटब्लॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ संकेत और मनाली का ये हमारा डे 3 का एपिसोड है। हम आज स्टे कर रहे हैं कीकू हॉस्टल में, जहाँ के आपको बेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे बैकपैकर्स के लिए, सोलो ट्रैवलर्स के लिए और बजट ट्रैवलर्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको रिसेप्शन पे मिलेंगे अशोक भाई। अशोक भाई, क्या हाल है? तो ये है अपनी डॉर्मेट्री यहाँ की, बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं। जैसे 6 लोग तो आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। लुक एट दिस कॉमन एरिया, किसी विल्ला से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। गेम जोन भी काफी बढ़िया है और शाम के समय यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। कीकू हॉस्टल का इन हाउस रेस्टोरेंट भी है जहाँ आपको प्योर वेज खाना मिलेगा और यहाँ आप बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर सकते हो। विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं और बॉनफायर के सहारे पूरे दिन की थकावट दूर कर सकते हो। और अगली सुबह मैं पहुंच गया इनके रेस्टोरेंट में छोले भटूरे और चाय ट्राई करने के लिए। मैंने इनका रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया तो मुझे दिखी एक यहाँ पे स्कूटर जो कि बहुत ही एक आर्टिस्टिक लुक दे रही थी इनके रेस्टोरेंट को। और यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक दिल्ली के गेस्ट से। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ का? So the staff is really good. They're super friendly and super courteous. Mm-hmm. And I think the whole vibe also, because they have this bonfire thing at night. Bilkul. The rooms are super comfortable. The food is amazing. Hello? It's really very good. I've been to Hills before, but I've never eaten such amazing food. It's very tasty. Thank you. Have a lovely stay. You too. वेल, अभी तक आपने यहाँ के डॉर्म्स और बाकी चीजें तो देख ली है, तो चलिए आपको यहाँ के रूम्स भी दिखाते हैं। और इस तरह मेरी मनाली के 4 दिन की ट्रिप खत्म होती है। काफी स्पेशल और एडवेंचरस रही मेरे लिए ये ट्रिप। मैं नविद से मिला, वाटरफॉल्स एक्सप्लोर किए, हमने हिच हाइकिंग करी। आप भी जब मनाली आओगे तो ये सारी चीजें जरूर एक्सपीरियंस करना, क्योंकि यही सारी चीजें आपकी मेमोरीज को ऑसम बनाती है। तो 2023 चालू हो चुका है और नेटब्लॉक्स आपके लिए लेके आ रहा है बहुत सारी ट्रैवल सीरीज, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप भी हमारे एडवेंचर्स का पार्ट बन सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड।